हे गाइस कुशाल यार और आप देख रहे हो माइनर टेकटिप्स। तो अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो गया है और आज है प्राइम डे, तो इसलिए मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए 11 मॉनिटर्स को टोटल सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए। और यहाँ पे कुछ गेमिंग मॉनिटर्स मैंने आपको दिखाए, यहाँ पे कुछ वीडियो एडिटिंग के लिए मॉनिटर्स दिखाए, यहाँ पे मैंने कुछ ऑफिस पीसी के लिए मॉनिटर्स दिखाए, यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों को अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स दिखाए। तो यहाँ पे आप अपने चॉइस के हिसाब से परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे डील्स जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया डील्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि अभी प्राइम डील में बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। और अगर आप इस वीडियो को आज के रात 12 बजे के बाद देखते हो तो यहाँ पे शायद से यहाँ पे आपको प्राइस में थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिले। और अभी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली सेम टू सेम प्राइस में मिलेगा। तो यहाँ पे अभी कभी आप जल्दी से जाओ, यहाँ पे मॉनिटर्स को देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली परचेस कर लो। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 4200 रुपीज़ से लेकर यहाँ पे अप टू 23,000 रुपीज़ का मॉनिटर्स दिखाया। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ महंगा भी मॉनिटर्स नहीं, यहाँ पे बहुत ही सस्ता मॉनिटर्स दिखाया, वो भी एकदम बैंग फॉर द बक्स डील मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया है। मेक श्योर का इस वीडियो को पूरा देखा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ठोकना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करना। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोगों को मैं मॉनिटर दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो ये हम आ चुके हैं हमारा पीसी में और अभी अमेज़न में इसका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का आज प्राइम डे है। और शायद से यहाँ पे आपको 12 बजे के बाद थोड़ा सा प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिले या फिर आपको सेम प्राइस में ही देखने को मिल सकता है, क्या पता, वो बाद में पता चलेगा। और अभी चलो मैं आपको फटाफट से सारे के सारे मॉनिटर्स एक एक करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये सारे मॉनिटर्स को प्राइस के अकॉर्डिंगली सेट किया है। तो शुरू करते हैं हमारा एकदम लोएस्ट प्राइस का मॉनिटर्स से, जो कि हमारा एसर का एओपन 22 इंच का एक मॉनिटर और इसका प्राइस है अराउंड 4300 रुपीज़। और यहाँ पे आपको 4300 रुपीज़ में HDMI पोर्ट मिल जाता है इस मॉनिटर में, यहाँ पे आपको VGA पोर्ट मिल जाता है और ये एक TN पैनल का मॉनिटर है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप इतना कम प्राइस दे रहे हो तो यहाँ पे आपको TN पैनल मिलेगा। और ये एक फुल HD 1920x1080p का मॉनिटर है और इसमें आपको वैसा माउंट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अगर इसको वॉल में माउंट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आप 20,000-30,000 रुपये के यहाँ पे पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। सबसे कम प्राइस में मिल रहा है अभी आपको ये लाइक 4,300 रुपये का, तो डेफिनेटली चेक दिस आउट अगर आप 20,000 से 30,000 रुपये का पीसी बिल्ड यहाँ पे कर रहे हो। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पे, जो कि हमारा एसर का नाइट्रो QG 22 इंच का मॉनिटर। ये एक एक्चुअली 21.5 इंच का मॉनिटर है और ये आता है एक VA पैनल के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे TN पैनल से VA पैनल थोड़ा सा बेटर है कलर प्रोडक्शन में, क्योंकि TN पैनल का जो कलर्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा फेड फेड दिखता है और यहाँ पे आपको VA पैनल मिल जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे LG का जितना सारे मॉनिटर्स है 90% मॉनिटर्स में वो लोग VA पैनल यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली VA पैनल इज़ अ बेटर चॉइस दैन TN पैनल। और यहाँ पे आपको 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। 75 Hz का ये मॉनिटर है और इसमें भी आपको वैसा माउंट वगैरह मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसको वॉल में भी माउंट कर सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, 7,500 रुपये का भी आपको मिल रहा है और ये एक फुल HD मॉनिटर है 21.5 इंच का। तो यहाँ पे अगर आप मे बी यहाँ पे 42,000-45,000 पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे IPS पैनल नहीं चाहिए और 60 Hz में यहाँ पे आप स्टक नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। 75 Hz 1 मिलीसेकंड VA पैनल, बहुत ही बढ़िया डील है, जाओ चेक करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, परचेस कर लो। चलते हैं हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पे, जो कि हमारा LG का 22 इंच का मॉनिटर। और ये एक बहुत ही फेमस मॉनिटर है, ज़्यादा लोग इसी को परचेस करते थे क्योंकि यहाँ पे आपको IPS पैनल मिल जाता है और बेजल्स जो है बहुत ही थिन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो लुक्स ये प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही बढ़िया लगता है आपके सेटअप में। तो यहाँ पे मे बी यहाँ पे अगर आप इस 40,000 सेम प्राइस रेंज में यहाँ पे आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो और यहाँ पे आपको मतलब हर्ट से उतना कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। और इसमें आपको IPS पैनल मिल जाता है, प्लस इसमें VGA HDMI DVI तीनों पोर्ट अवेलेबल है, प्लस यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का भी पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस यहाँ पे हेडफोन पोर्ट भी अवेलेबल है। और ये 60 Hz का मॉनिटर है और आता है 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ। तो यहाँ पे अगर आप ई स्पोर्ट्स टाइटल ज़्यादा नहीं खेलते हो, यहाँ पे आप ऑफलाइन ट्रिपल टाइटल्स खेलते हो तो डेफिनेटली ये वाला मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। इसका पैनल जो है बहुत ही बढ़िया पैनल है और किसी भी तरीके से ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अभी आपको मिल रहा है ये 7,000 रुपीज़ में, बहुत ही बढ़िया डील है। अगर आपको 7,000 रुपीज़ के अंदर कोई भी मॉनिटर खरीदना है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलते हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पे, जो कि हमारा LG का 24 इंच का मॉनिटर और ये एक 75 Hz का मॉनिटर है, IPS पैनल के साथ आता है। इसमें आपको VGA HDMI डिस्प्ले पोर्ट सारे के सारे मिल जाते हैं, बट यहाँ पे ये वाला जो मॉनिटर है ना, इसमें आपको IPS पैनल मिल जाता है। और एसर वाला जो दिखाया था वो एक्चुअली 22 इंच का था, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा बिगर साइज़ में चाहिए तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। 75 Hz यहाँ पे भी आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम नहीं है, 1 मिलीसेकंड का यहाँ पे आपको ब्लर रिडक्शन टाइम मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे सेम 5 मिलीसेकंड का देखने को मिल जाएगा, जो कि IPS पैनल का लिमिटेशन है। तो यहाँ पे अगर आपको गेमिंग मॉनिटर में कोई IPS पैनल चाहिए प्लस यहाँ पे आपको 75 Hz रिफ्रेश रेट चाहिए तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। ये अभी आपको मिल रहा है 9,000 रुपीज़ का और लिंक आपको ऑब्वियसली नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाके परचेस कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। चलते हैं हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पे, जो कि हमारा एसर का 24 इंच का Aopen कर्व गेमिंग मॉनिटर। और ये एक्चुअली Aopen ब्रांड का मॉनिटर है, एसर इसको प्रोमोट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये वाला मॉनिटर जो है ना बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है। इस प्राइस रेंज में यहाँ पे आपको कर्व मॉनिटर मिल रहा है, वो भी 24 इंच का, और इसमें आपको यूज़ किया गया है VA पैनल, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। और एक्चुअली में ये वाला जो मॉनिटर है ये एक 144 का मॉनिटर है, तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा ई स्पोर्ट्स टाइटल खेलते हो, बैटल रॉयल गेम खेलते हो, तो यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेलते हो, तो यहाँ पे ये वाला मॉनिटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और इसमें आपको HDMI DVI वो सारे पोर्ट्स तो ऑब्वियसली मिल जाते हैं। और ये अभी आपको सेल में मिल रहा है अराउंड 12,000 रुपये में, तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बढ़िया डील है। यहाँ पर अगर आपको एक 24 इंच का कर्व मॉनिटर चाहिए तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। इसका पैनल भी काफ़ी बढ़िया है, एंड यहाँ पे आपके जो बेजल्स है वो यहाँ पे काफ़ी थिन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको लुक्स भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा आपके डेस्कटॉप में। एंड यहाँ पे आप गेमिंग भी बहुत अच्छी तरीके से इस मॉनिटर के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर आप मे बी यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का या फिर 60,000 रुपीज़ का यहाँ पे PC बिल्ड कर रहे हो, तो डेफिनेटली इंक्लूड दिस मॉनिटर टू योर PC बिल्ड। एंड आपका जो डेस्कटॉप है वो भी देखने में बहुत बढ़िया लग जाएगा। एंड आपको 144 का ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला जो मॉनिटर है वो मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लो इस मॉनिटर को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पर, जो कि हमारा LG का 24 इंच का बॉर्डरलेस मॉनिटर है। और ये एक्चुअली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे रेटिंग करते हो उनके लिए ये वाला मॉनिटर बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। इसमें आपको SRJ भी 99% देखने को मिल जाता है, और ये 5 मिलीसेकंड के रिस्पांस टाइम के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली में एक गेमिंग मॉनिटर तो है नहीं, तो यहाँ पे 5 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम के साथ आता है। और इसमें फ्रीसिंग भी नहीं दिया गया है, तो डेफिनेटली ये वाला जो मॉनिटर है पूरा का पूरा यहाँ पे जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 24 इंच का मॉनिटर है, और इसमें बेजल्स भी एकदम छोटे छोटे दिया गया है, मतलब एकदम थिन पतला दिया गया है, तो यहाँ पे आपके लुक्स में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये भी आपको मिल रहा है अराउंड 12,500 रुपये का, और नॉर्मल डेज़ में ये मिलता है आपको अराउंड मेरे हिसाब से 14,000 रुपये इसका मिलता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कोई मॉनिटर चाहिए तो ये वाला मॉनिटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। चलते हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पर, जो कि हमारा MSI का ऑप्ट्रिक्स मैक 241C 24 इंच फुल HD कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर विथ 1920। ओके एक्चुअली मैं ये वाला जो मॉनिटर है MSI की तरफ से एक नया मॉनिटर है, हाल ही में यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये वाला मॉनिटर गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ये एक 144 रिफ्रेश रेट का मॉनिटर है, प्लस ये आते हैं 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ। इसमें यूज़ किया गया एंटी ग्लेयर पैनल, तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी वाला, मतलब इसमें इसका जो पैनल है उसमें लाइट पड़ता है, तो यहाँ पे ग्लेज नहीं मारेगा, तो वो भी जो है काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक मॉनिटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस मॉनिटर के साथ फ़ोन से एप्लीकेशन सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पे मॉनिटर का जो फीचर्स है वो सेटिंग्स है वो लाइव आप अपने फ़ोन के ऐप से आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो भी कंट्रोल करना है वो सब कंट्रोल कर सकते हैं MSI का एप्लीकेशन से। और अगर आप ज़्यादातर यहाँ पे ई स्पोर्ट्स स्टाइल खेलते हो और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा 144 का रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर चाहिए, वो भी एक ब्रांडेड ब्रांड से, तो यहाँ पे ये वाला जो मॉनिटर है MSI की तरफ से ये वाला मॉनिटर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसका लुक्स भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आप देख सकते हो बेजल जो है बहुत ही कम दिया गया है, और नीचे छोटा सा MSI के लोगो है, जो कि देखने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। एंड इसका स्टैंड है वो भी यहाँ पे गेमिंग तरीके का दिया गया है, तो मेरे हिसाब से ये वाला मॉनिटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, अगर आप एक 24 इंच 144 रिफ्रेश रेट का मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो। और हाँ, ये कर्व मॉनिटर है, बट यहाँ पे 1800R का कर्व नहीं है, यहाँ पे 1500R का कर्व यूज़ किया गया, मतलब कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कर्व नहीं मिलता है, जस्ट स्लाइटली यहाँ पे कर्व मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपका फ्लैट और कर्व में यहाँ पे मिक्सचर करके यहाँ पे आपको कोई मॉनिटर चाहिए तो डेफिनेटली इस मॉनिटर को आप चेकआउट कर सकते हो। ये भी आपको मिल रहा है सेल में 15,500 रुपये का, तो डेफिनेटली यार चेकआउट कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पे, जो कि डेल की तरफ से 24 इंच का अल्ट्रा थिन बेजल मॉनिटर। और एक्चुअली मैं इसका फीचर करना चाहता था इसके लुक्स से, क्योंकि यहाँ पे इसका लुक्स जो है बहुत ही बढ़िया दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चारों तरीके से यहाँ पे बेजल जो है बहुत ही थिन दिया गया है, और इसका जो स्टैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेशनल लगता है। एक्चुअली ये इसका डिज़ाइन जो है पूरा का पूरा फ्लैट डिज़ाइन है, तो यहाँ पे इसको एक्चुअली मैं ना ही वीडियो एडिटर्स को यहाँ पे रेकमेंड करने वाला हूँ और ना ही गेमर्स को यहाँ पे रेकमेंड करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप अपने ऑफिस के लिए कोई मॉनिटर ढूंढ रहे हो और यहाँ पे आपके ऑफिस के और भी शोभा यहाँ पे बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला मॉनिटर को एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसका लुक्स जो है काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, एंड ये ऑफिस PC के लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और इसमें IPS पैनल दिया गया है, और इसका जो रेशियो है वो थोड़ा सा वियर्ड है, लाइक 16:10 का रेशियो है, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर 1920x1200 है, तो यहाँ पे जो 1080p मॉनिटर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो यहाँ पे 6 मिलीसेकंड, और ये आते हैं 76Hz रिफ्रेश रेट के साथ, तो यहाँ पे ये वाला जो मॉनिटर है ये ऑफिस PC के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अभी आपको ये वाला मॉनिटर मिल रहा है अराउंड 16,800 56 रुपये का। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बार इस मॉनिटर को चेक कर लेना। चलते हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पर, जो कि हमारा LG का 29 इंच अल्ट्रा वाइड फुल HD IPS गेमिंग मॉनिटर, नाम काफी बड़ा है बट यहाँ पे ये वाला मॉनिटर को मैं अभी अराउंड 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है मेरे पास, ये 1-1.5 साल से है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और इसमें भाई यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लीडिंग एकदम देखने में नहीं मिलता है, एकदम स्लाइटली देखने को मिलता है, जो कि एक IPS पैनल में मिलता ही है। तो यहाँ पे ब्लैक ब्लीडिंग है ही नहीं बोल सकते हो। और 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आपको USB-C का आउटपुट मिल जाता है, डिस्प्ले पोर्ट का आउटपुट मिल जाता है, HDMI आउटपुट मिल जाता है। और इसमें VGA नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है VGA है, बट एक्चुअली में VGA नहीं दिया गया है। और इसमें आपको 10 वाट का यहाँ पे 5 वाट करके यहाँ पे 10 वाट का 2 स्पीकर दिया गया है, जो जिसका जो साउंड है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और एक्चुअली में अगर आप एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आप डेफिनेटली LG का 29 इंच अल्ट्रा वाइड मॉनिटर को यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो 25 इंच वाला जो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है वो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 25 इंच में अल्ट्रा वाइड मॉनिटर का यहाँ पे मज़ा नहीं आता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर ले रहे हो तो यहाँ पे 29 इंच का ही लो और ये वाला मॉनिटर लो। ये वाला मॉनिटर अभी आपको मिल जाएगा अराउंड 16,500 रुपये का, काफ़ी बैंग फॉर द बक डील है। यहाँ पे अगर आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर से उतना कोई माथामारी नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे एक डिसेंट वाला IPS पैनल चाहिए, आपको यहाँ पे 60 हर्ट्ज से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रिफ्रेश रेट चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली इस मॉनिटर को आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हो बहुत ही आराम से। sRGB के साथ आता है, फ्रीसिंक AMD फ्रीसिंक अवेलेबल है, ब्लैक स्टेबलाइजर, जो भी यहाँ पे LG का जो फीचर्स है वो सारे अवेलेबल है। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। नॉर्मल डेज में इसका प्राइस रहता है 19,000 रुपये, तो यहाँ पे आपको अभी 16,500 रुपये का मिल रहा है। तो एक बार चेकआउट कर लेना, ओके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलते हमारा नेक्स्ट मॉनिटर पे, जो कि हमारा एक 2K मॉनिटर, और यहाँ पे 2K मॉनिटर आपको यहाँ पे मिल रहा है अराउंड 16,000 रुपये में। यह है एसर का 31.5 इंच का मॉनिटर, आता है एक IPS पैनल के साथ। यहाँ पे VA पैनल या फिर TN पैनल यूज़ नहीं किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। 16,000 रुपये पे करो तो यहाँ पे IPS पैनल एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और ये एक्चुअली एक 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है और आता है 4 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बिग मॉनिटर में 2K में गेमिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वाला मॉनिटर एक बार चेकआउट कर सकते हो। और इसका साइज़ जैसे कि 32 इंच का है, तो यहाँ पे 1080p रेजोल्यूशन दे देता, तो यहाँ पे बढ़िया बात नहीं रहता। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपको 2K रेजोल्यूशन मिल जाता है, जो कि 2560 by 1440। तो यहाँ पे अगर आपको एक 2K मॉनिटर चाहिए वो भी 16,000 रुपये के रेंज में, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। रिस्पांस टाइम भी काफ़ी बढ़िया है, 4 मिलीसेकंड का, और यहाँ पे रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप कोई कंपेटेटिव गेम्स नहीं खेलते हो, यहाँ पे आप नॉर्मली जो स्टोरी बेस्ड गेम्स है वो सारे खेलते हो, तो डेफिनेटली आप इस मॉनिटर को परचेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट मॉनिटर पर, जो कि LG की तरफ से आने वाला एक 2K मॉनिटर। बट जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको Acer की तरफ से आने वाला एक 2K मॉनिटर ऑलरेडी शोकेस कर दिया हूँ, बट ये वाला मॉनिटर जो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे आपको 144 का रिफ्रेश रेट प्लस 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है, जो कि यहाँ पे कंपेटिटिव गेमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। जो लोग यहाँ पे CSGO खेलते हो, e-स्पोर्ट्स टाइटल खेलते हो, उनके लिए काफ़ी बढ़िया बात रहने वाला है। और ये आता है एक VA पैनल के साथ, इसमें आपको फ्रीसिंक का फीचर मिल जाता है। और यहाँ पे बेजल्स भी यहाँ पे 2K मॉनिटर के हिसाब से काफ़ी कम दिया गया है, तो यहाँ पे आपको लुक्स में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। 2K 144 का रिस्पॉन्स टाइम का मॉनिटर है, वो भी 32 इंच का। तो मेरे हिसाब से 23,000 रुपये में ये वाला मॉनिटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, अगर आप ज़्यादातर यहाँ पे e-स्पोर्ट्स टाइटल खेलते हो। और यहाँ पे आपको एक 144 का रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर ढूंढ जाओ, वो भी 2K रेजोल्यूशन के साथ। तो डेफिनेटली इस मॉनिटर को आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दैट वाज प्रीमियम जॉब गाइस। यहाँ पे आपको प्राइम डे में यहाँ पे जितने सारे भी अच्छे अच्छे मॉनिटर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे मॉनिटर्स दिखा दिए हैं, तो अपने प्राइस के हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे आपको 1080p से लेकर 2K तक सारे के सारे मॉनिटर्स दिखाए हैं, और मैंने आपको 4K नहीं दिखाए, क्योंकि यहाँ पे 4K में ऑप्शंस बहुत ही कम रहते हैं। यहाँ पे 4K में 1-2 ही मॉनिटर्स है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली वो मिल जाएंगे, वो अलग से दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना सारी मॉनिटर्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए, उनके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता था, तब तक के लिए बाय।